डियर स्टूडेंट, मैं सर पवन राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम प्लांट जो टेक्सोनॉमी चैप्टर है जिसमें कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिक, जिसको कि हम आंकिक वर्गीकी कहते हैं, इसके महत्व और इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। जैसा कि हमने देखा था कि किस प्रकार बायोलॉजी में विभिन्न प्रकार के जो टेक्सोनॉमिक कीज हैं उसका निर्माण कैसे किया गया, या हम बात करें टेक्सोनॉमी में मैथमेटिक्स या गणितीय जो विवेचना है वो किस प्रकार की गई, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आंकिक वर्गीय के महत्व या एप्लीकेशंस अनुप्रयोग। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज़ जो है टेक्सोनॉमी में डिफरेंट ग्रुप्स और स्पीसीज के मध्य समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करने में किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के ग्रुप हैं, समूह हैं, जैसे किसी क्लास का, किसी फैमिली का आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमनक्लेचर, उस फैमिली के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी, विभिन्न प्रकार की जो फैमिली के गुण हैं, हम उसको उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ है और जो विभिन्नताएं हैं उसकी स्टडी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसमें बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल किंगडम के कुछ मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प से हम मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी जो कि आकारिकी की किसी प्लांट्स की, उसकी पादपकारिकी देखें हम, या उसकी केमिस्ट्री जो रासायनिक की हम बात करें, या उसका जो फाइटोकेमिस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं वह, ठीक। इसके अलावा डीएनए स्ट्रैंड के मध्य उसकी एफिनिटी भी हम इससे क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो डीएनए हेलिक्स हैं उसमें जो स्ट्रैंड है जिसमें कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, ठीक है, जो प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं, उसके बीच की जो एफिनिटी है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स हैं, जो 20 टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं, उनका हम सीक्वेंस इसके द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जो अमीनो अम्ल है, चाहे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ग्लाइसिन, म्यूथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, फेनिल एनालिन, विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं उनका हम सीक्वेंस इस मेथड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम जो जैव वैज्ञानिक हैं उनके जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत हैं, उनकी पुनः व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात उन्हें हम फिर से अच्छे से और डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज़ करके हम आसानी से बता सकते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंस टेक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल है और क्लासिफिकेशंस के ऑब्जेक्ट का री एग्जामिनेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और वर्गीकरण के जो ऑब्जेक्ट उद्देश्य हैं उसका हम री एग्जामिनेशन कर सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प से। यह क्वांटिटेटिव मेथड होने के कारण टेक्सोनॉमिक वेरिएशन से रिलेटेड अधिक से अधिक हमें इंफॉर्मेशन इससे प्राप्त होती है। क्योंकि क्वांटिटेटिव मेथड है यह, इसलिए हमको जो वर्गीकी वेरिएशन अर्थात विभिन्नताएं हैं उससे रिलेटेड हमको अधिक से अधिक जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन है, प्राप्त होती है। इससे हम अच्छी कीज और क्लासिफिकेशन जो है तैयार कर सकते हैं। अच्छा जो लिटरेचर है हमारे पास अवेलेबल उसको हम और मॉडिफाइड कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो नए नए जो एविडेंसेस है, चाहे साइटोलॉजी का हेल्प लेकर, चाहे मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का हम हेल्प लें, या हम बात करें APG जो 4 सिस्टम है उसका, ठीक है, जिसको कि एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो बताया गया है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसका यूज़ करके प्लांट्स के अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल, चाहे हम बात करें उसके एक्सटर्नल या इंटरनल कैरेक्टर्स, या हम एनाटॉमी बात करें, तो इसका आइडेंटिफिकेशन आसानी से हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट जो है टेक्सोनॉमिक जो है ब्रांच है, जो कि प्लांट बायोलॉजी है जिसमें कि यूज़ की जाती है। थैंक यू सो मच।